Anna. Assalamualaikum. Anna, brush your teeth. हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे. मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ. दिस इज माहम, दिस इज एना एंड वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग इन लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल. दो दिन इतनी ज्यादा गर्मी थी कि दिल भी नहीं कर रहा था बाहर निकलने को, और अब देखें दोबारा से फिर ठंडा ठंडा मौसम, ठंडा ठंडा दिन, और एना भी बाहर आई है. एना को मैं इसे लेके आई हूँ क्योंकि ना अंदर काफी देर से खेल रही थी, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा बाहर चलती हूँ और इसका मूड भी चेंज हो जाएगा. है ना एना, मजा आ रहा है? मम्मा, और आप लोग बताएं आप लोगों की साइड पे कैसा मौसम है? मैंने सुना है कि पाकिस्तान में इस दफा बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है, लेकिन इंडिया में और बांग्लादेश में जहां जहां आप लोग मेरा ये व्लॉग देख रहे हैं, तो आप लोगों ने जरूर बताना है कि आप लोगों के आजकल मौसम कैसा है. सर्दी तो है लेकिन कितनी सर्दी है? हमारा तो आप लोगों को पता ही है, एक दिन गर्मी हो जाती है फिर एक दिन सर्दी हो जाती है. अच्छा, मैं एना के पीछे पीछे भी चलूं कहीं और ना निकल जाए. एना, डोर्स ऑन द बस गो ओपन एंड शट. बेबी ऑन द बस गोस वै. ओ मम्मी ऑन द बस गोस शिश. माशाल्लाह माशाल्लाह. बाय बाय एना, बाय बाय, बिस्मिल्लाह. मैं ना ऐसे ही शर्ट के अंदर कुछ देख रही थी कि कोई काम की चीज मुझे मिलती है कि नहीं मिलती. जी ना, ये बहुत अच्छी चीज मिली है. ये है नाइफ शार्पनर. हमारे पास जो घर में पड़ा हुआ है ना, वो थोड़ा सा हल्के वाला है. ये हम तब निकालते हैं जब हमें डिफरेंट डिफरेंट जो नाइफ होती है ना, उनको डिफरेंट तरीके से जब हमें शार्प करना होता है. घर जाके मैं आपको दिखाती हूँ. तो फिर इसलिए मैंने सोचा आज ना मैं जरा नाइफ जो है वो शार्प कर लेती हूँ. तो चले अब अंदर चलते हैं, सर्दी भी हो रही है. एना आओ, चले आज 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 बस अब बहुत खेल लिया. यहाँ पे मैंने बीफ पैटीज जो है वो बेक करने के लिए रखी हुई थी, अब तकरीबन हो गई हैं. जब तक अभी सब आएंगे तब तक ना मैं ये जो नाइफ है इनको शार्प कर लेती हूँ. अच्छा, ये जो शार्पनर है ना, ये हर किसी के घर में होता है, यानी कि जो रेगुलर नाइफ शार्प करने के लिए होता है. लेकिन जब हमें प्रॉपर तरीके से जो नाइफ है, यानी कि जो स्टेक नाइफ होती है, जो शेफ नाइफ होती है, जो दूसरी और नाइफ जो हमारे पास प्रॉपर यानी कि सेट होता है नाइफ का, उसके लिए फिर ना हमें थोड़े अच्छे तरीके से उसको शार्प करना पड़ता है. ये हम कर लेते होते हैं 2 से 3 महीने के बाद. इससे क्या होता है, जो नाइफ होती है ना उसके अंदर ना जान आ जाती है, उनको एक एनर्जी मिल जाती है. अच्छा, तो ये 3 तरह के जो डायमंड्स हैं, देखिए एक है ब्लू, एक है रेड और एक है ग्रीन. अब इन तीनों का ना कुछ मतलब है. जैसे ये जो ब्लू है ना, ये थोड़ा सा खुरदरा है, जैसे हमें मीट वगैरह करना है तो मैं ये ब्लू वाला डायमंड है ये यूज करूंगी. फिर उसके बाद आ जाता है जो हमें फाइन यानी कि जो कट चाहिए, तो थोड़ा सा ना ये ना ज्यादा खुरदरा है ना ज्यादा ये एक्स्ट्रा फाइन है, तो उसके लिए मुझे ये यानी कि जिस तरह वेजेस वगैरह होती हैं तो उसके ऊपर मैं ये रेड वाला जो है डायमंड यूज करूंगी. अच्छा, उसके बाद आ जाता है ये ग्रीन वाला, यानी कि अगर मुझे एक्स्ट्रा फाइन कट चाहिए, जिस तरह जो टोमेटोज होते हैं उनको अगर हम काटें, उसको हम यानी कि ब्लंट नाइफ से नहीं काट सकते, उसके लिए हमें जो थोड़ा सा टीथिंग वाले नाइफ होते हैं ना, हमें वो चाहिए होते हैं. तो ये मतलब कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसके ऊपर मैं हल्का सा करूंगी तो ये मेरा जो टोमेटोज वगैरह है उसके लिए काम आएगा. तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ. सबसे पहले शेफ नाइफ, हमेशा जो आप नाइफ यानी कि शार्प करते हैं ना, तो आपने 20 के एंगल पे करना है. बस 3 से 4 दफा काफी होता है तो अच्छी खासी यानी कि इसके अंदर जो शार्पनेस है ना वो आ जाती है. अब मैं करने लगी हूँ जो स्टेक नाइफ्स हैं उनको, तो उसके लिए हमेशा हमें जो थोड़ा स्केली वाला होता है ना वो चाहिए होता है, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा शार्प नहीं चाहिए. चलें, ये तो सारी नाइफ जो है वो मेरी बहुत अच्छे से शार्प हो गई हैं. इसको ना मैं जब बाहर जाऊंगी तो शेड के अंदर रखाऊंगी.
अब जो नाइफ है वो फ्रेश भी लग रही है, इनके अंदर भी जान आ गई है। तो अब ये तो काम हो गया, वहां पे जो मेरी बीफ पैटीज हैं वो भी बेक हो गई हैं। यहाँ पे मैंने सोचा साथ ही साथ मैं शाम के लिए लेग्स को ना बेक करूंगी, तो उसको मैं अभी से मैरिनेट करके रख दूं ताकि शाम तक जो है वो मसाला अच्छे से अंदर से रच बस जाएगा। बिल्कुल हल्की सी मैं मैरिनेशन करूंगी ये तंदूरी मसाले के साथ। बस जो लेग्स है ना उनको मैंने हल्का हल्का कट लगाना है ताकि जो मसाला है ना वो अंदर ऐसे रच जाएगा। अब नाइफ भी बहुत शार्प हुई हुई है तो ये भी जरा ध्यान रखना पड़ेगा। ऐना ऊपर अपनी दादी जान और दादा जान के साथ है। थोड़ा सा मैं अंदर ना इसके योगर्ट डाल दूंगी ताकि थोड़ी सी ना सॉफ्ट हो जाएंगी फिर ये। हमेशा नाइफ को जो है ना वो डायरेक्ट स्लैब पे नहीं काटना चाहिए, हमसे भी बहुत ज्यादा गलतियां हो चुकी हुई हैं, स्लैब पे हमारे भी काफी निशान पड़े हुए हैं, हमेशा कटिंग बोर्ड यूज करना चाहिए। नाइफ भी शार्प हो गई और मेरा यहाँ पे मसाला भी लग गया, मेरा नहीं मतलब कि लेग्स को मसाला मैंने लगा दिया। एना जो है वो अपना फर्स्ट नैप ले रही है और इस टाइम हो रहे हैं 1:32 दोपहर के, और यहाँ पे मैं और मेरे हस्बैंड देखने लगे हैं मूवी जिसका नाम है ग्रेविटी, और ये एक थ्रिलर मूवी है, देखते हैं कि कैसी होती है। इतनी ठंडी हवा चल रही है और सही सर्दी वाला मौसम हो गया, बस मैं थोड़ी देर के लिए बाहर आई हूँ क्योंकि मैंने आप लोगों के साथ करनी है बहुत ज़रूरी बात, और ये बात ना मैं काफ़ी दिनों से करना चाह रही थी इसलिए मुझे याद आई तो मैं बाहर आ गई। मैंने कहा चलो ना ज़रा आराम से सुकून से मैं आपसे बात करके आती हूँ। मैं ना अक्सर अपने ब्लॉग से नीचे अब आज कल जो है एक कमेंट बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, और वो ये कि आपने अपने घर में नमाज़ पढ़ने की जगह क्यों नहीं बनाई जिसे घर की मस्जिद कहते हैं। तो मुझे समझ नहीं आता, मतलब मैं उनको कैसे रिप्लाई करूं, मैं कर भी देती हूं लेकिन आज मैं आप लोगों के साथ फेस टू फेस इसलिए कर रही हूं क्योंकि थोड़ी सी ऐसी बातें होती हैं जो ना थोड़ा डिटेल में करनी चाहिए। अच्छा तो क्या है ना कि छोटे होते से स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, तो अब इतना टाइम मेरा पाकिस्तान में गुजरा है क्योंकि सिर्फ 3 ईयर्स ही हुए हैं मुझे अमेरिका आए हुए, और इस बेस पे आप लोगों ने मुझे जज करना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि मुझे पता है व्लॉगिंग जो है बिल्कुल आसान नहीं होती, आपको हर चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ता है। और जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी ना तो मैं अपना फुल माइंडसेट बना के आई थी, मुझे क्रिटिसिज्म भी फेस करना है, मुझे नेगेटिव लोगों को भी फेस करना है, लेकिन मेरे देखने वाले जिनको मैं यूट्यूब फैमिली कहती हूँ वो इतने अच्छे हैं कि आप लोग मुझे अच्छे से समझाते हैं, अच्छे से बताते हैं क्या चीज़ करनी है क्या चीज़ नहीं करनी, जिसका मुझे नहीं पता फिर मैं सीखती हूँ। मुझे पसंद नहीं है आर्ग्यू करना, मुझे बहस करना बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं काउंटर आर्ग्यू बिल्कुल भी नहीं करती बल्कि मैं उसको समझती हूँ। अब इस चीज़ को ना आप लोग बिल्कुल पॉजिटिव वे में लीजिएगा क्योंकि मुझे इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन बस एक चीज़ होती है ना कि आपने उसको एनलाइटन करना होता है, तो बस मैंने थोड़ी सी उस पर रोशनी डालने आई हूँ। अच्छा तो क्या है कि जब से हम छोटे से बड़े हुए हैं और इतना टाइम मेरा पाकिस्तान गुजरा है तो मैंने अपने घर में कभी भी स्पेसिफिक जगह नहीं देखी कि एक जगह जो हमने फिक्स कर ली हो कि यहाँ नमाज पढ़नी है, क्योंकि हमें यही समझाया गया है और ऐसा ही होना चाहिए कि नमाज जो है जगह बदल बदल के पढ़नी चाहिए क्योंकि वो नमाज का जो हिस्सा है ना वो आखिरत में गवाही देगा कि मुझ पर इबादत की गई है। और जब आप नमाज पढ़ते हैं तो एक नमाज का जो मखसूस हिस्सा होता है ना वो दूसरी वाले ज़मीन पे यानी कि जो दूसरी वाला हिस्सा होता है उस पर फ़ख्र फील कर रहा होता है, फ़ख्र महसूस कर रहा होता है। तो फिर ऐसे मुझे कमेंट क्यों आते हैं कि आपने कोई जगह क्यों नहीं बनाई अपने इतने प्यारे घर में, तो देखें जैसा आपका घर है वैसा ही मेरा घर है, आपके घर में कमरे मेरे घर में भी कमरे, आपके घर में किचन है मेरे घर में भी किचन है, कोई ऐसी कोई तीसरी कोई ऐसी जगह हमने नहीं बनाई जो आपके घर में हो और मेरे घर में ना हो, या आपने अपने घर में नहीं बनाई और मैंने बनाई है, सेम वही घर है जो आप लोगों का घर है और मेरा घर है। ठीक
ठीक है, हम सबका घर एक जैसा एक घर है, सिर्फ ये है कि आप पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं या बांग्लादेश में हैं, और मैं रह रही हूँ अमेरिका में, कल आप लोग यहाँ पे आ जाएंगे और कभी हो सकता है कि मैं भी आप लोगों से मिलने के लिए आ जाऊँ। मैं ऐसे करके इसलिए खड़ी हूँ क्योंकि मुझे सर्दी लग रही है, इसलिए बस ना मैं बात करके अंदर चलती हूँ। दिलों का हाल ना सिर्फ अल्लाह ताला को पता है कौन किस नीयत से इबादत कर रहा है, क्या पता कोई इतना पर्दे में रहकर भी इतनी इबादत कर रहा है लेकिन अल्लाह ताला को उसकी कोई एक बात पसंद ना आए। लेकिन अगर कोई इंसान जो इतना पर्दे वाला नहीं है और कोई इतना रिलीजियस नहीं है, और अगर कोई छोटी से छोटी चीज़ भी, छोटी से छोटी नेकी भी अल्लाह ताला को उसकी पसंद आ जाए, तो क्या पता वो इंसान जो इतना ज़्यादा मजहबी है और वो इंसान जो इतना ज़्यादा मजहबी नहीं है उसकी कोई एक हरकत अल्लाह ताला को इतनी पसंद आ जाए कि वो उसे बढ़तरी ले जाए। तो हमें इस चीज़ को बिल्कुल भी अज्यूम नहीं करना चाहिए कि कौन कितना ज़्यादा रिलीजियस है, हम क्या सोच रहे हैं, हमारा क्या ख्याल है, उस ख्याल के पीछे क्या राज है, वो भी अल्लाह ताला को पता है। तो बस इतनी सी बात करने के लिए मैं आई थी, तो इस चीज़ को मुझे थोड़ा सा इसलिए डिटेल में बताना पड़ा क्योंकि कोई भी जगह फिक्स नहीं है, एक जगह हम नहीं बना सकते कि हमने इसी जगह नमाज पढ़नी है, और वो मज़ा भी नहीं आता एक जगह पे नमाज पढ़ के, आपको हमेशा जगह बदल के नमाज पढ़नी चाहिए। कभी मैं अपने रूम में नमाज पढ़ती हूँ, कभी मैं फैमिली रूम में पढ़ती हूँ, कभी मैं लाउंज में पढ़ती हूँ, तो एक आपको खुशी भी होती है कि आपने जगह बदल के नमाज पढ़ी है। अब मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को इस चीज़ का बहुत अच्छे से जवाब मिल गया होगा। तो चलिए अब अंदर चलते हैं, सर्दी भी हो रही है, इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है, ठीक है, लेकिन इस तरह की जो बात होती है ना वो थोड़ी खामोशी में मुझे करने का इसलिए मज़ा आता है क्योंकि फिर मेरा सारा ध्यान जो है ना उस बात पे रहता है। तो अंदर चलते हैं। स्ट्रॉबेरी, थैंक यू, माशाल्लाह माशाल्लाह, एना स्ट्रॉबेरी खा रही है, स्ट्रॉबेरी एना यम्मी है। शाम के खाने में मैंने बनाई है माश की दाल। उफ, इतने दिनों से दिल कर रहा था, अब ये डन हो गई है। तड़का भी मैंने लहसुन का लगा दिया है, अब मैं रोटियां बनाती हूँ। कितनी अच्छी लग रही है माशाल्लाह। ध्यान से, आराम से, आराम से, शाबाश शाबाश। अच्छा डैडी, आराम से आराम से। यहाँ पे करूँगी मैं अपने आज के इस ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ये वाला ब्लॉग पसंद आया है तो आप लोगों ने करना है लाइक, एक प्यारा सा कमेंट करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। मैं मिलूंगी एक न्यू ब्लॉग के साथ लाइफ ऑफ दिस अमेरिकन गर्ल में। अपने आप लोगों ने रखना है बहुत सारा ख्याल। बाय बाय।